अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मेरे पास 6 चीज़ें हैं। तो आज यार, आजकल बड़ा ना चैनल के साथ थोड़ा सा मिस कुछ हो रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा था। तो काफ़ी दिन से जो चैनल की प्रोग्रेस है वो मेरी बहुत डाउन हुई पड़ी है। आप लोग ज़रा वीडियो को शेयर शूर नहीं कर रहे लगता है। तो मैंने कहा ज़रा वीडियो फेस के साथ बना के आपकी रिक्वेस्ट की जाए कि यार वीडियो को लाजमी शेयर करा करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि जिसको देखो चीज़ें चाहिए सेकंड हैंड, वो तो चैनल को ज़रूर देखेगा। और बस ये है कि वो सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को। तो रिक्वेस्ट इतनी है, सिर्फ देखे देखता तो बहुत है, 70 तकरीबन 65% ऐसे लोग हैं जो देखते ज़रूर हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कुछ ऐसे हैं जो डेली वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते। तो बड़ा ज़रा प्रोग्रेस जो है वो डाउन की तरफ जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको ज़रा हवाई जहाज़ की तरह ऊपर लेके जाना है। तो यार कोई मदद शदद करें भाई की, वीडियो को शेयर शुरू किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर न्यू है। तो सबसे पहले हम 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उनकी प्राइस की बात करेंगे कि कितनी प्राइस से वीडियो आज की जो चीज़ें हैं वो हमारी शुरू होंगी और कहाँ तक प्राइस जाएगी। तो इसमें कोई भी जो प्राइस होगी वो फाइनल नहीं है, आप लोग प्राइस की बात कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक भी आपने करके ही जाना है। तो वीडियो में 2 बेडरूम सेट हैं, 4 सोफ़ा सेट हैं। 2 बेडरूम सेट क्या क्या है? बेडरूम सेट में आपको एक किंग साइज़ का बेड है, 2 साथ में साइड टेबल है और 1 अदर ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा। उसके दूसरे बेडरूम सेट में भी सेम यही प्राइस, मतलब कि चीज़ें हैं। फिर तो 4 सोफ़ा सेट हैं, उसमें से मेरे ख्याल से एक, हाँ एक सोफ़ा सेट सिर्फ 5 सीटर में है, बाकी सारे के सारे 6 सीटर में मौजूद हैं। कंडीशन वाइज बहुत अच्छी है। जो प्राइस शुरू हो रही है तकरीबन 17 हज़ार से शुरू हो रही है, ठीक है, 17,000 से प्राइस शुरू होगी और 39,000, 39,000 तक प्राइस जाएगी। तो आज की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है मुझे पता है, पर चीज़ें देखेंगे दिल खुश होगा, चीज़ें बहुत अच्छी हैं सारी की सारी। पर यह है कि प्राइस फाइनल नहीं है, आप लोगों को जो सी चीज़ पसंद आती है उसकी आप लोग प्राइस की बात कर सकते हैं। नंबर वगैरह जैसा कि आप लोगों को पता है मैं देता हूँ अपना ही, तो आप व्हाट्सएप पर पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको ऑनर का नंबर देंगे जिसकी भी जो भी चीज़ है। तो अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करके और मैसेज करके बोलते हैं कि भाई आप डायरेक्ट उनका नंबर क्यों नहीं देते जिनकी चीज़ होती है। तो यार एक छोटी सी बात करूँगा कि उनका नंबर इसलिए नहीं दिया जाता कि मत, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मुझे चीज़ दी अपनी सेल करने के लिए, मैंने वो आपसे चीज़ ली, अपनी वीडियो में लगा दी, साथ में आपका नंबर दे दिया। अब वो नंबर दे दिया, अब वो आपकी चीज़ सेल हो गई, समझे? आज आपने दी, कल आपकी चीज़ सेल हो गई, आपको परसों एक कॉल आएगी कि भाई वो चीज़ मौजूद है, आप कहेंगे नहीं। फिर आपको कॉल आएगी, वो चीज़ मौजूद है, आप कहेंगे नहीं। फिर कॉल आएगी, इस तरह पूरे, मतलब कि जब तक वीडियो यूट्यूब पे रहेगी आपको कॉल आती रहेंगी। तो सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि नंबर ऑनर का नहीं दे सकते हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि एक तो वीडियो नहीं रिमूव हो सकता यूट्यूब से, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, मैं वीडियो रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो गया है, तो उससे सारा मेरा प्रोसीजर जो है वो चलता है। उस वो आप बात समझते हैं कि यार इस तरह का जो काम है ना वो मैं नहीं कर सकता। अगर यहाँ तो फिर नंबर रिमूव भी नहीं किया जाता, दोबारा उसको निकाला भी नहीं जा सकता। तो यह सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप हमें, मतलब कि चीज़ें सेंड करते हैं, मैं उसको ऐड पे लगा देता हूँ या मैं OLX से देख के ऐड पे लगा देता हूँ, तो ऑनर का नंबर आपको मेरे से, जब वो चीज़ सेल हो जाती है, मुझे पता चल गया ये चीज़ सेल हो गया, मैं फिर आगे जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है मैं उसको कहता हूँ यार ये चीज़ सेल हो गई हुई है। तो इससे बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि कोई मसला भी नहीं होता है किसी को भी। तो अक्सर लोग इतराज़ करते हैं कि अपना आपका नंबर व्हाट्सएप का कौन सा है, तो जो भी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होता है उस पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लिया करें, वही मेरा जो नंबर होता है व्हाट्सएप पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में 6 चीज़ें हैं, प्राइस रेंज मैंने आपको लोगों को बता दी, 17,000 से लेके 39,000 रुपये तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बेडरूम सेट की, इसकी ओवरऑल कंडीशन की सबसे पहले बात कर लेंगे। अगर किंग साइज़ का बेड देखा जाए तो वो किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर पॉलिश वगैरह और जाके देखने पे, ये एक तो होता है वीडियो में देखा आपने पॉलिश आपको अच्छी लगी, जाके देखने में देखा तो यार कहीं कहीं से पॉलिश ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये कोशिश करें कि पहले ही ऐसी कोई बात करें कि प्राइस फाइनल ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप जब गए हैं तो उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नज़र आ गया, तो उसके बाद हमने प्राइस डिसाइड की तो उस पर प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, जो आपके माइंड में थी उससे भी कम हो गई, तो ये ज़्यादा एक बेनिफिट हो जाता है। तो इसमें जो इस बेडरूम सेट में आपको मैट्रेस भी मिलेगा, ठीक है, 30,000 रुपये इसकी डिमांड है। ड्रेसिंग
किंग साइज़ का बेड, साथ में मैट्रेस, साथ में दो साइड टेबल। टोटल इसकी 30,000 रुपया डिमांड है, पर जो कि ऐड है वो 6 नवंबर का ऐड है। फिर बता रहा हूँ 6 नवंबर का ऐड है, कि मेक श्योर मैंने मैसेज नहीं किया यार, कि मैसेज करके मैं पूछ लेता कि ये बेडरूम सेट सेल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये सेल हुआ था तो सोल्ड आउट लिखा होता और नंबर भी ना मौजूद होता। उम्मीद है कि फैसलाबाद में मौजूद है बेडरूम सेट, तो इतनी जल्दी सेल नहीं हुआ होगा। 30,000 रुपया डिमांड है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देख लेना कहाँ तक रिजनेबल प्राइस हो सकता है। अगर मेरा आइडिया है कि 20 और 22 के दरमियान अगर मिल जाए तो बेहतरीन है, क्योंकि बीच में मैट्रेस भी आपको मिल रहा है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि साथ मैट्रेस भी आ रहा है, तो फिर इतनी रेंज तक आपको समझ में आना चाहिए। फैसलाबाद वाले परचेज कर सकते हैं, नंबर आप लोगों को मेरे से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे बेडरूम सेट, ये बेडरूम सेट उस बेडरूम सेट से बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बेडरूम सेट है। इसके साथ दो साइड टेबल हैं, एक अदद इसमें बेड है और एक ही अदद इसमें ड्रेसिंग टेबल है। इसकी ड्रेसिंग टेबल भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, साइड टेबल भी, और मुझे बेड भी बहुत पसंद आया। बेड के साथ जो मैट्रेस है वो इंक्लूड नहीं है, बेड के साथ मैट्रेस फिर बता रहा हूँ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैट्रेस ही मुझे लगता है कि जो कोई 15-16 हज़ार रुपये का तो मैट्रेस ही ऊपर पड़ा हुआ है, पर इसकी जो प्राइस है उससे ज़्यादा है। एसक्री 11 रावलपिंडी में इस टाइम ये बेडरूम सेट मौजूद है, इसकी जो प्राइस है वो 34,500 रुपया इसकी डिमांड है। जैसा कि ड्रेसिंग टेबल देख रहे हो, साइड टेबल देख रहे हो, बेड देख रहे हो, ये तकरीबन ओवरऑल अगर 55, तकरीबन 55,000 में न्यू बेड सेट की प्राइस है, पूरे बेडरूम सेट की, मतलब कि ड्रेसिंग टेबल, दो साइड टेबल और तकरीबन बेड किंग साइज़ का मैट्रेस डालें तो और भी ऊपर काम चला जाता है। 34,500 रुपये डिमांड है, डेफिनेटली इसने 30,000 का माइंड बनाया होगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर 25 तक देता है, 25-26 तक देता है तो बेहतरीन है, ना छोड़िएगा। रावलपिंडी वाले परचेज़ कर सकते हैं, अगर उससे नीचे आप करवा लें ठीक है, वो आपकी हिम्मत है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप 25 से भी नीचे परचेज कर लें तो। फिर बात करेंगे सोफ़ा सेट की। ये सोफ़ा सेट खुद तैयार करवाया गया ठीक है। ये सोफ़ा सेट ऐसे है कि 3 सीटर 1 है, 3 सीटर 1 है, टोटल है 6 सीटर, और ये तकरीबन बेड शेप में उन्होंने लिखा हुआ है, बेड शेप में हमें तैयार करवाया। तो ये ऐसे ही है कि सोफ़ा सेट थोड़ा सा मतलब कि छोटा होता है, उसकी सीटिंग जो होती है ना वो इस टाइप की बनी होती है कि इंसान बैठ जाए। ये थोड़ा सा लंबाई में लंबा है और सीटिंग इसकी देखेंगे थोड़ी चौड़ी चौड़ी है ना, तो कुशन्स भी इसके साथ बहुत मतलब कि अच्छे खासे हैं, कंडीशन भी बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि ख़ुद तैयार जब इंसान करवाता है ना तो फिर उसकी ये नीयत होती है मैं एक अच्छी चीज़ तैयार करवा लूँ ठीक है। इसमें 6 एक 3 सीटर है 1 3 सीटर है, टोटल 6 सीटर है। उन्होंने 6 सीटर की जो डिमांड की हुई है ना वो 20,000 रुपया की हुई है, और 20,000 रुपये डिमांड की हुई है, तो 15,000 रुपये तक, कम से कम 15,000 रुपये तक अगर आप इनको बोलते हैं तो फिर देखें क्या रिस्पॉन्स आगे से आता है। अगर आपका माइंड ही 15 का परचेज़ करने का आया तो फिर 12-13 बोलें और वो आपको अपनी फाइनल बता देंगे कि हमने इतनी फाइनल प्राइस में इसको सेल करना है, तो रावलपिंडी वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर बात करेंगे सोफ़ा सेट की, जो कि क्या 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 कहना है इस सोफ़ा सेट का भाई लोग, कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ही खूबसूरत। अगर मैं होता ना तो मैं भी जाके इसको कुछ कुछ करवा के ना ऊपर नीचे पैसे, तो इस सोफ़ा सेट को परचेस कर लेता, क्योंकि यार बहुत ही प्यारा कलर, और जो कि मैं कहता हूँ कुशन्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, 6 सीटर में हैं, पर प्राइस इसकी इस वीडियो में सबसे ज़्यादा थी 439,000, इसी 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 की प्राइस है तकरीबन 39,000 रुपया। और ये नहीं पता कि 2 मंथ सिर्फ कहने के मुताबिक उन्होंने यूज़ किया हुआ है, 6 नवंबर का एड है, DHA लाहौर में मौजूद है, DHA लाहौर में ये मौजूद है सोफ़ा सेट, और 39,000 रुपया प्राइस है और 6 नवंबर का ऐड है। उम्मीद करता हूँ अभी तक मौजूद होगा, 6 नंबर का ऐड है, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है, इतनी जल्दी सेल होने के चांस नहीं होते इसके ठीक है। आप लोग में से किसी को पसंद आए, किसी को क्या, बहुत लोगों को पसंद आएगा, पर रेट की वजह से बहुत लोग रहेंगे भी, मुझे पता है कि नंबर बहुत मांगेंगे मेरे से, मुझे भी नंबर दे दें, मुझे भी नंबर दे दें, पता नहीं कौन किस्मत वाला इसको परचेस करेगा और कितनी प्राइस में करेगा। बहरहाल जो भी परचेस करे लाजमी मुझे बता दे कि कितनी प्राइस में उसने परचेस किया, व्हाट्सएप पे जो भी नंबर लेगा जो परचेस करेगा, उसके बाद वो घर लेके आके फिर मुझे बता सकता है कि भाई मैं हमने इतनी प्राइस में इसको परचेस
कर लिया। सोफ़ा सेट की कंडीशन तो मैं कह सकता हूँ 10/10, किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि पता है आप लोगों को, लाहौर वालों को बहुत ही ज़्यादा होता है कि चलें एक चीज़ बेचे दूसरी ले आएँ, इसको चलो पुराना हो गया डिज़ाइन, ये 2-3 महीनों बाद ही वो समझते हैं कि बस यार ये पुराना हो गया, अब इसको चेंज करना चाहिए। ये क्वालिटी छोटे से लेके बड़े तक में है, मैं कहता हूँ लाहौर में छोटे से लेके बड़े तक में है। अगर कोई छोटी मतलब कि सोफ़ा सेट आम परचेज़ किया ना, उसने उन्हें 6 महीने चलाना, उसने कहना यार चलो सोफ़ा सेट ना अब चेंज कर लेते हैं, कोई इसके बदले कोई और थोड़े से 5-6 हज़ार रुपये और डाल के कोई और डिज़ाइन का ले आते हैं। तो ये लाहौरियों में ये आदत है और बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाहौर के ऐड आपको देखने को बहुत मिलते हैं। अच्छा फिर बात करेंगे, अपने 2 सोफ़ा सेट हैं और ये दोनों सोफ़ा सेट भी जोहोर टाउन लाहौर में ही मौजूद हैं। इसमें एक आप 5 सीटर में देख रहे हैं और एक सोफ़ा सेट आप 6 सीटर में देख रहे हैं। एक की प्राइस 17,000 है, एक की प्राइस 20,000 है। ये जो अभी आप देख रहे हैं तकरीबन बादामी कलर में जो है, इसकी जो प्राइस है वो 17,000 है, ठीक है। ये दूसरा आप सिल्वर में देख रहे हैं, इसकी प्राइस 20,000 रुपये है, और एक ही आदमी के पास दोनों सोफ़ा सेट मौजूद हैं। अगर आप एक परचेज़ करना चाहते हैं तो एक की बात कर लें, अगर आप दोनों सेट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप दोनों की बात कर लें। फिर बताता चलो, एक 6 सीटर में, एक 5 सीटर में, जो कि 6 सीटर में उसकी प्राइस 20 है, और जो कि 5 सीटर में उसकी प्राइस जो है वो 17,000 रुपये है। मतलब कि अगर 20 वाला परचेज़ करेंगे तो लगभग आपको ये 17-18 में देने की कोशिश करेगा, और 17 वाला उसका माइंड पक्का होगा 15 में। और में ऐसा भी हो सकता है कि किसी को दोनों सोफ़ा सेट चाहिए हो, तो दोनों का तकरीबन बनता है, एक का 17 और एक का तकरीबन 35-37 हज़ार रुपया बनता है एक टिका दोनों का। और मैं अगर कहूँगा इसको कितने तक परचेज़ करना मुनासिब रहेगा, तो मेरे ख्याल से कोई 27-28 हज़ार रुपये तक तो बेस्ट रहेगा, लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। तो अब वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक करना, जो भी चीज़ चाहिए स्क्रीन पे एक ही नंबर चल रहा होता है, ठीक है, 0301-411-0577 के जो आ रहा होता है नंबर, उसको एक दफ़ा लाजमी व्हाट्सएप पे ट्राई करें। अगर आपका व्हाट्सएप नहीं बना तो बना लें, क्योंकि मेरा नंबर अक्सर बंद होता है, और ये आपको मैसेजेस भी करेंगे तो नहीं पता चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज का मुझे पता चलता है, और किसी बात का नहीं। क्योंकि फिर आप लोग इतराज़ ना करें मेरे साथ तो अच्छी बात नहीं है। कि व्हाट्सएप अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल तो व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लें, तकरीबन 98% लोग ऐसे हैं जिनके पास व्हाट्सएप एंड्रॉयड फ़ोन है, तो व्हाट्सएप भी लाजमी होना चाहिए। तो व्हाट्सएप है तो आप मेरा नंबर जब सेव करेंगे किसी भी नेम से, ऑफर टाइम के नेम से सेव कर लें अपने फ़ोन में, तो आपको फ़ौरन मेरा व्हाट्सएप पे नंबर मिल जाएगा। जब व्हाट्सएप पे नंबर मिलेगा, आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपको पसंद आई है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना है। बस आप, मैं समझ जाऊँगा आपको इस चीज़ का नंबर चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, पिक्स वगैरह चाहिए होंगी, साथ लिख दीजिएगा मुझे इसकी पिक्स चाहिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो लोग यही प्रेफर करते हैं हमें नंबर मिल जाए, हम डायरेक्ट ऑनर से बात कर लें। तो सबसे बेस्ट भी यही है कि आप मेरे से बात करने की बजाय सीधा ऑनर से बात करें, ताकि आप दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाए और चीज़ परचेज़ करने में आप लोगों को आसानी हो। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर वीडियो को एक लाइक करके लाजमी अब शेयर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे लाजमी दुआओं में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।